महाराष्ट्र सरकार के तत्वावधान में MSRDC हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के प्रथम चरण के उद्घाटन के साथ पूरे राज्य के 36 जिलों को जोड़ने की संकल्पना लिए अत्याधुनिक एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक दूरदर्शी राजनेता जो नए भारत की कल्पना के विकास हेतु राजमार्गों के निर्माण के लिए कटिबद्ध है। महाराष्ट्र का उज्जवल भविष्य सुदृढ़ राजमार्गों के द्वारा किसानों की समृद्धि में निहित है। इस दृष्टिकोण को हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी के कुशल नेतृत्व में दिशा मिली। MSRDC ने महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के निर्माण के साथ प्रगतिशील महाराष्ट्र को पुनः परिभाषित किया है। ये महाराष्ट्र सरकार के माननीय उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी के दृढ़ विश्वास का प्रतीक है, जिन्होंने पहली बार इस परियोजना की कल्पना की थी। ये महामार्ग महाराष्ट्र के 10 प्रमुख जिलों को पूरी तरह जोड़ता है तथा राज्य के अन्य 14 जिलों को अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ेगा। 701 किलोमीटर लंबा एक्सेस नियंत्रित कॉरिडोर 6 लेन एक्सप्रेसवे के साथ महाराष्ट्र में कृषि और औद्योगिक क्षेत्र को मजबूत करने के लिए समर्पित है। प्रस्तावित 25 इंटरचेंज पूरे महाराष्ट्र के 26 तालुकाओं को जोड़ता है, जिससे राज्य की 36% आबादी सीधे लाभान्वित होगी। महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग नागपुर मुंबई यात्रा के समय को 18 घंटे से घटाकर 8 घंटे और मुंबई औरंगाबाद के बीच के अंतर को 4 घंटे तक कम कर देगा। नागपुर शिरडी को जोड़ने वाले ये एक्सप्रेसवे लोगों के यात्रा के समय को 13 घंटे से घटाकर 5 घंटे तक कम कर देगा। ये महामार्ग समृद्धि प्रचुरता और सफलता का अग्रदूत है, जो कनेक्टिविटी को सुविधाजनक बनाने, रोजगार के अवसर पैदा करने, क्षेत्रीय बाजार का तेजी से विकास करने के लिए इसकी रचना की गई है। ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी के लिए किया गया अलग प्रावधान इस एक्सप्रेसवे को डिजिटल रेडी बना देगा। एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर कुल 11,31,000 पेड़ और लगभग 22,34,000 से अधिक पौधे लगाकर हरित भू निर्माण सुनिश्चित किया जाएगा। ध्वनि अवरोधों के साथ वन्य जीव संरक्षण के लिए कुल 100 अंडरपास और ओवरपास का निर्माण किया गया है। प्रस्तावित इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इस ऊर्जा कुशल कॉरिडोर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जैसे सौर ऊर्जा पहल के माध्यम से 138.47 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने का प्रस्ताव कर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को बढ़ावा देना, 15 यातायात सहायता चौकियों की स्थापना, बचाव और घटना नियंत्रण के लिए 21 त्वरित प्रतिक्रिया वाहनों की उपलब्धता के साथ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ 21 एम्बुलेंस भी तैनात रहेंगी। यात्रियों से फास्टैग सक्षम प्लाजा पर शुल्क लिया जाएगा, जो केवल महामार्ग से तय की गई दूरी के आधार पर होगा। यातायात का नियंत्रण और एक्सप्रेसवे की निगरानी के लिए एक स्मार्ट यातायात प्रबंधन प्रणाली विकसित की जा रही है। हम सलाम करते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री के जज्बे को और आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ाए हर कदम को। इसी संकल्पना में समृद्धि महामार्ग बनेगा महाराष्ट्र की पहचान। आइए साक्षात्कार करें समृद्ध महाराष्ट्र का।